अग्निपथ योजना का विरोध लगातार किया जा रहा है, जगह जगह उपद्रव हो रहा है। 3 जगहों पर बीजेपी कार्यालय को फूंक दिया गया है। अब जगह जगह बीजेपी कार्यालय में सुरक्षा लगाई गई है, पुलिस को तैनात किया गया है। वहीं सिवान से एक तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर लगेगा कि ये पुलिसकर्मी सुरक्षा कर रहा है या दंगा करवाने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, सिवान में उपद्रव को रोकने को लेकर जिले के चप्पे चप्पे में पुलिस अधिकारियों को लगाया गया है। सुरक्षा भगवान भरोसे दिख रहा है, व्यवस्था में तैनात किया गया। बिहार पुलिस का एक कर्मी घंटों से आराम फरमाता नजर आ रहा है। इस तस्वीर में देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उपद्रव को रोकने के लिए तैनात पुलिसकर्मी कितने सजग हैं। हालांकि बीजेपी कार्यालय की दूसरी सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान को तैनात किया गया है, जो दूर से ही पैनी नजर बनाए रखे हुए हैं। पुलिस के अधिकारी का तस्वीर सामने आने के बाद अधिकारियों द्वारा ड्यूटी में गहरी नींद फरमा रहे पुलिस अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने की बात सामने आई है। पुलिस अधिकारी मामले की जांच करवाने की बात कह रहे हैं। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।